टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बैंक के लॉकर में है, घर पर नहीं है। हटाओ पिस्तौल इस पर से। खामोश, सबसे पहले तुझे ठोक दूंगा। कोई बैंक वैंक में नहीं है, सब कुछ घर में है। शाबाश, जल्दी बता। नहीं, घर में नहीं है, कुछ भी नहीं है। बात लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। बोलते हो तो ठोक दूं क्या? सोच क्या रहा है, ठोक दे। नहीं, ऐसा नहीं करना। मेरी बेटी को माफ कर दो, माफ कर दो। खुदा के लिए मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, हमें माफ कर दो। जेवर बैंक में है, घर में कुछ भी नहीं है। घर में जो कुछ भी है ले जाओ, सब ले जाओ, लेकिन हमें माफ कर दो। हमें कुछ न कहो, हम मरना नहीं चाहते। मैं मरना नहीं चाहता, खुदा के लिए हमें माफ कर दो, ले जाओ। बाऊ वारिस एक रोज अचानक गुम हो गया। एक आम से दिन, वो एक आम सी जिंदगी गुजारते गुजारते अचानक गायब हो गया। उसकी बीवी, उसके बच्चे उस रात उसका इंतजार करते रहे, अगली शाम तक उसकी राह देखते रहे। फिर उन्होंने मकामी पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। दो चार रोज घर में मेला सा लगा रहा। अजीज रिश्तेदार दोपहर के बाद आना शुरू हो जाते। रात गए तक घर तसल्लियों, खदशात और उम्मीदों से गूंजता रहता। मेहमान गिनकर खबरनामे के बाद रोटियां और निहारी मंगवाई जाती। दूर दराज इलाकों से आने वाले रात को वहीं रुक जाते और नाश्ते के वक्त पापे चाय में डुबो डुबो कर खाते। परेशानी के इब्तदाई दिनों में बाऊ वारिस की परचून की दुकान बंद रही। चौथे दिन बाऊ वारिस के बेटे इलियास ने दुकान खोल ली। छठे दिन उसकी बहन रेहाना कॉलेज जाना शुरू हो गई। आठवें दिन बाऊ वारिस की बीवी ने किसी छोटी सी बात पर अपनी नंद को ऐसी गालियां दी कि गर्म रोटियों और निहारी की मुंतजर औरतें अपने बच्चे समेट कर फरार होने पर मजबूर हो गई। बाऊ वारिस बदस्तूर गुम रहा। सर, जो इब्तदाई रिपोर्ट मुझे मुख्तार मोहम्मद ने दी है वो ये है। बैठो। थैंक यू सर। पुलिस की बड़ी बेइज्जती हो रही है। तुमने ये रिपोर्ट पढ़ी है? जी सर। पढ़ो। मैं इलाके के मुतअद्दिद अफराद से मिलने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि बाऊ वारिस, जिसका पूरा नाम मोहम्मद बाबू वारिस था, एक शरीफ, बाकिरदार और मेहनती आदमी था। 30-35 साल कबल वो सरगोधा से कराची आया, फिर वो यहीं का होके रह गया। 25 बरस कबल उसने किरियाने की दुकान खोली और फिर अपनी मेहनत से उस दुकान को और बढ़ा लिया। पूरा महल्ला उसी से ही सारा घर का सामान खरीदता। बाऊ वारिस एक बेहद मिलनसार आदमी था। उसके ग्राहक उसकी बहुत तारीफ करते थे। हलाल की रोजी कमाने के सिलसिले में उसके अपने नजरियात थे, जिन पर वो सारी जिंदगी बेहद सख्ती से कारबंद रहा। पूरे इलाके में उससे किसी की कोई भी दुश्मनी नहीं थी। गुमशुदगी से एक हफ्ते कब दो लड़कों ने उसके घर में डकैती की नाकाम कोशिश की, जिसे पुलिस मोबाइल नंबर 262 ने नाकाम बना दिया। दोनों डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। उनका मुकदमा चल रहा है और उनके वारिस उनकी जमानत करा चुके हैं। बाऊ वारिस की रहमदली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने डाकुओं की गिरफ्तारी के वक्त भी पुलिस वालों से दरखास्त की थी कि इनको मारा ना जाए। बाऊ वारिस को तलाश करने के लिए मैं खुद पुलिस पार्टी लेकर मुतअद्दिद मुकामात पर गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। ना जाने उसे जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। गुमशुदगी के दिन उसने दोपहर 2 बजे तक अपनी दुकान खोली। उसके पुराने दोस्त रिटायर्ड हवलदार फकीर मोहम्मद ने उसे 1:40 तक देखा। उसके करीबी लोगों से मैंने तफसीली बयानात लिए हैं। किसी भी बयान से उसकी गुमशुदगी के मामले का
कोई भी पहलू हल होता हुआ नहीं दिखता। बड़ी फजूल और नाकारा किस्म की रिपोर्ट है ये। जूनियर ऑफिसर है सर, इससे ज्यादा उसके बस में नहीं। अजीब नॉन ऑफिशियल अफसानवी जबान में लिखी है ये रिपोर्ट। जी खैर, इस ऑफिसर को बाद में देखेंगे। नासिर, इस केस की इन्वेस्टिगेशन तुम अपने हाथ में ले लो। मैंने काम शुरू कर दिया है सर। देखो जल्द अज जल्द इस बाओ वारिस, जो भी नाम है इसका, इसे जल्द अज जल्द बाजियाब कराओ, जिस हालत में भी हो। सर अखबार में खबरें छप रही हैं, टीवी पर रिपोर्ट्स आ रही हैं और इसके घर वाले जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। मीडिया वाले ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। वो अलग शोर मचा रहे हैं कि पुलिस एक आम आदमी को इतने दिनों में नहीं ढूंढ पाई तो मुजरिम क्या खाक पकड़ेगी। मैं समझता हूँ सर, बस आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं ज़रूर इस बाओ वारिस को ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारे पास 3 से 4 दिन है और तुम ये कर लोगे, मुझे यकीन है। बाज जासूस टाइप रिश्तेदारों ने जो हर खानदान में मौजूद होते हैं, बाओ वारिस की गुमशुदगी के बाद तरह तरह के नजरियात पेश किए। खालू आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सर सोच समझ कर तो बोले आप किसके बारे में और क्या बोले जा रहे हैं। अरे बेटा ऐसा होता है, अक्सर लोग दूसरी शादी के चक्कर में गायब हो जाते हैं। लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन इस वक्त आप मेरे बाबा के बारे में बात कर रहे हैं, वो हरगिज ऐसे नहीं है। अम्मी आप ही को समझाइए ना। मैं क्या बोलूं बेटा? अरे ये क्या बोलेगी, इसे तो मैं सालों से बोल रहा हूँ कि उस पर नजर रखो। अरे अशरफ भाई ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बाबूजी ऐसे आदमी नहीं है। अलबत्ता यह है कि वो कोई लेन देन का मामला हो या कर्ज का कोई मसला हो जिसे बचने के लिए वो भाग निकले हो। ऐसा कुछ भी नहीं, बाबूजी के कारोबार और पैसे के मामले में एक अरसे से उनके साथ देख रहा हूँ, वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते थे, कोई 2 रुपए का भी कर्ज नहीं है बाबूजी पर। वो तो खुद ना जाने उल्टा लोगों की मदद करते थे और कभी पलट कर उन्होंने किसी से पैसे नहीं मांगे। सच्ची बात तो ये है कि हम अंदाजे ही लगा सकते हैं बाऊ किस तरह गुम होने की वजह, वाकई ढूंढना बहुत मुश्किल है। खालू हर कोई यही कह रहा है कि बाऊ जैसे बेजरर सादा और प्यारे इंसान का इस तरह यूं गायब हो जाना किसी को समझ में नहीं आ रहा। पापा, पापा खुद से तो हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे तो बस फिक्र इस बात ये कि कहीं पापा को कुछ नहीं। नहीं उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा दिल कहता है वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, बस हमें उनको ढूंढना है। बिल्कुल बेटा, हम जरूर ढूंढ निकालेंगे, आप लोग सिर्फ हिम्मत रखें। इंस्पेक्टर नासिर ने बाऊ वारिस के घर और दुकान के इर्द गिर्द तफ्तीश का जाल फैला दिया। हर किसी से मालूमात की, नुक्कड़ में डब्बू खेलने वाले लड़कों तक को नजरअंदाज नहीं किया। हालांकि बाऊ वारिस जैसे शख्स का कभी भी उनसे मिल बैठने का कोई इम्कान नहीं था। डब्बू खेलना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन कहीं से भी इंस्पेक्टर नासिर को आगे बढ़ने का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस तुम हो या मैं? मैं तो ये सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि बाऊ मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। वो तो कहीं नहीं जाता था, जहाँ भी जाता था मुझे बता कर जाता था। इंस्पेक्टर साहब इतना सीधा आदमी था, हर किसी का ख्याल रखना और किसी से प्यार करना, पहले वालों का ख्याल रखना,
शादी कभी में शरीक होना। मैं बाऊ के 2 महीने से बातें बोले जा रही हूँ और बातें एक खत्म ही नहीं होती। एक बात याद आ जाती। बस अम्मी। बाऊ बाऊ मेरे सामने होता था तो मैं उसे यूं ही समझती थी। अब सोचती हूँ कि मैंने उसके पाँव धो धो कर क्यों नहीं पिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। अभी कुछ 10 साल पहले वो मेरे लिए VCR खरीद कर लाया और बोला, तू जानती है ना मैं नमाजी आदमी हूँ, फिल्मी गानों से नफरत करता हूँ, मगर तेरे लिए मैं VCR खरीद कर लाया हूँ क्योंकि तेरा मुझ पे बड़ा हक है। जा जा ऐश कर, तेरे गुनाह मैं संभाल लूंगा। हौसला करें अम्मी। मैं क्या क्या बताऊँ आपको इंस्पेक्टर साहब, जब मेरी कभी बाऊ से लड़ाई होती थी तो उस शख्स ने कभी ऊंची आवाज में जवाब नहीं दिया, कभी महल्ले से बाहर उसकी आवाज नहीं गई। मेरी आवाज तो जरूर महल्ले वालों ने सुनी होगी अगर उसकी नहीं। महल्ले की औरतें कहती हैं, तू बड़ी किस्मत वाली है। अरे मारना तो बहुत दूर की बात, उसने तो कभी मुझे डांटा भी नहीं। डांटा भी नहीं। और वो जो हमारे घर में डकैती हुई थी, जो डाकू घुस आए थे हमारे घर में, उन्होंने पिस्तौल दिखाकर हमें डराया धमकाया और बुरी बुरी गालियां दी, बहुत बुरी बुरी। अगर उनके पास पिस्तौल नहीं होती ना तो मैं और मेरा बेटा उन्हें चीर कर रख देते। इलियास को तो देखा है ना आपने, जवान खून तो गर्म ही होता है, मगर क्या करें, बाऊ ने हमें काबू में कर रखा था। बाऊ के आगे मिन्नत समाजन कर हाथ जोड़ा गिड़गिड़ा रहा कि भाई हमारे पास सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये और बच्चे के जहेज के लिए जो सामान जमा किया था बस ये है, तुम ले जाओ सब ले जाओ, हम बहुत गरीब हैं, मगर गोली मत चलाना। इस बात पर मैं बिगड़ी भी कि तुम्हें क्या जरूरत थी इन हरामजादों के आगे मिन्नत समाजत करने की, मगर क्या करें। और वो उस दिन फकीर मोहम्मद भी हमारे दरवाजे पे आ गया, उसे शक हुआ कि अंदर कोई ना कोई वारदात हो रही है, फिर तो तुम जानते हो ना कि क्या हुआ। पता नहीं मेरा बाऊ कहाँ चला गया, वो मैं छोड़कर नहीं जा सकता, बाऊ कहीं नहीं जा सकता, उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं है जो उसे नुकसान पहुंचाए, और कोई दोस्त भी नहीं जहाँ वो रहे उनके पास जाकर और अपने घर वालों को भूल जाए। वो तो अपने बच्चों से अपने महल्ले वालों से सबसे बहुत प्यार करते थे। अरे बाऊ कहाँ चला गया। इंस्पेक्टर साहब, जो भी मेरे बाऊ की खबर लाएगा ना और तो उसकी खुशखबरी देगा, मैं उसकी नौकरानी बनकर रहूंगी सारी जिंदगी और उसको इतने पैसे दूंगी, इतने पैसे कि वो सारी जिंदगी ऐश करेगा। बस अल्लाह रसूल के वास्ते मुझे मेरा बाऊ बुला दे, मेरे बाऊ कहाँ है बता दे। क्या क्या याद करूं बाऊ। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि तुम लोग किस तरह की तहकीकात करते हो, एक शख्स गायब हो जाता है और तुम लोग तहकीकात करते रहते हो। अरे एक्शन करो, एक्शन, फौरी कार्रवाई। 1.5 माह का अरसा हो गया, अभी तक तुम लोग एक गुमशुदा शख्स को तलाश नहीं कर सके, तो इन मुजरिमों को क्या तलाश करोगे।
जिस दिन बाबू वारिस की डकैती हुई थी, अगर मैं भी उस दिन तुम्हारी तरह लोगों के बयान रिकॉर्ड करने खड़ा हो जाता ना, तो ये मुजरिम तो बड़े आसानी से फरार हो जाते। जब मैंने देखा कि मुसलसल दरवाजे को खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया, तो मेरी नज़र खड़ी बाइक पर पड़ी। मेरा दिमाग खटखटाया, फौरन मैं समझ गया कि अंदर कोई ख़तरा है। मैंने चार बंदे वहाँ खड़े किए और दौड़ता हुआ अपने घर गया। घर से मैंने अपनी बंदूक उठाई, उठाते ही मैं जाए वारदात पर पहुँचा। जैसे ही मैं एक्शन लेने वाला था कि अचानक सामने से तुम्हारे स्थानीय की मोबाइल आ गई और मेरा हाथ रुक गया। अगर एक मिनट भी तुम्हारी मोबाइल लेट हो जाती ना, तो मैंने दोनों बंदों को टपका देना था। ये सब तुम लोगों की दी हुई ढूल है। छोटे छोटे बच्चे 16-17 साल के टीटियाँ उठा के लोगों के घरों में डकैतियाँ मारते फिरते हैं, लूटते फिरते हैं लोगों को, और तुम लोगों ने गिरफ्तार करने में नाकाम रहते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि पुलिस को फौज की जैसी ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती। उस रात को भी बाब वारिस और मैं काफ़ी देर तक साथ रहे। मेरा यार है वो बड़ा ही अफसरदा था, मुझसे कहने लगा, यार फ़कीर मोहम्मद, क्या शरीफ आदमी को शराफत से जीने का कोई हक नहीं? बल्कि एक बात तो उसने बड़ी अजीब मुझसे कही, कहने लगा, क्या शरीफ आदमी बुजदिल होता है? या बुजदिल होना बहुत बड़ा गुनाह है? मैंने कहा, बाबू वारिस, हम बचपन से यही सुनते आए, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब लाठी खरीदने का ज़माना आ गया है। ओ भाई, मैं क्या क्या बातें बताऊँ उसकी। बस यार, मेरा तो तुमको ये मशवरा भाई कि खुदा के लिए ये तहकीकात वहकत बंद करो, कार्रवाई करो कार्रवाई। अब मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना, बस बस ख़त्म हो गया। वो बात दरअसल ये है फौरी साहब के मैं आपसे ज़रूर कुछ कहूँ, लेकिन आपकी उम्र और वर्दी की खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए मैं खामोशी रहूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मुलाकात ज़रूर होगी। ये वादा है मेरा कि ये पुलिस वाला आपके दोस्त को बरामद जरूर करेगा। इस बात का यकीन कर लीजिए। चलता हूं छड़ी मेरी है। वो ढूंढ रहे। देखिए आंटी, आंटी आपकी साइकिल। मेरे बेटे की मोटरसाइकिल, मेरे मरहूम शोहर की वेस्पा थी वो। जी जी, वही वही। लेकिन आप भी तो देखिए ना, 16 साल पहले चोरी हुई हुई साइकिल, अरे माफी चाहता हूँ वेस्पा, उसकी रिपोर्ट आप आज करवा रहे। अब थोड़ा मुश्किल तो होगा ना भाई। हमारा किसी पुलिस वाले से कोई जान पहचान ताल्लुक नहीं, और हमारे खानदान में भी कभी कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया। ठीक है, मैं समझ गया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अभी आप मुझे बाऊ के बारे में कुछ तफसील से बताएं। देखो बेटा, मैं कोई लंबी चौड़ी बात तो करूंगी नहीं, अल्लाह जानता है। मैं वारिस को भाइयों की तरह समझती थी और वो भी मुझे बहनों की तरह इज्जत देता था। शादी के बाद ये दोनों मियाँ बीवी हमारे पड़ोस में आके रहने लगे। वो बड़ा इज्जत करने वाला आदमी है और उसकी बीवी ज़रा ज़बान की तेज़ है। अल्लाह जानता है, मैं उसको अक्सर समझाया करती थी कि देख अपने मियाँ की कदर किया कर,
पर जो नादान होता है ना वो तो नादान ही रहता है। अल्लाह जानता है बेटा, बाव वारिस के गुम होने के बाद हमारे घर एक हफ्ता टीवी नहीं चला। मेरा मियाँ उसकी इतनी इज्जत करता था। हमारे घर में कभी ऊंच नीच हो जाती थी, तू तो जानता है बेटा मारपीट किस घर में नहीं होती है। सारे मर्द अपनी जनानियों को मारते हैं, इसमें शर्म कैसी। जब मेरा मियाँ मुझे मनाता था तो मैं बाव वारिस की मिसाल देती थी कि देखो वो अपनी बीवी को कैसा फूलों की तरह रखता है। तो पता है मेरा मियाँ क्या कहता था? कहता था, वारिस तो फरिश्ता है फरिश्ता, तू मेरा मुकाबला फरिश्तों से ना किया कर। कभी कभी सोचती हूँ कि अपनी बीवी की रोज़ रोज़ की जिग-जिग से तंग आकर तो कहीं नहीं चला गया। अरे बेटा मर्दों का तो तुझे पता है ना कितने बेसब्रे होते हैं, कभी घर बदल लेते हैं कभी बीवी बदल लेते हैं, बहुत ही बेसब्रे होते हैं। मुझे एक ख्याल आता है कहीं उसने भी अपनी ज़िंदगी बदल ना लियो, पर वो ऐसा है नहीं, वो तो मर्द ही दूसरे होते हैं। बस बेटा इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। बेटा वो मेरी मोटरसाइकिल का तो कुछ हो जाएगा ना? हाँ ज़रूर, उसी काम से जाओ। देखो तो मुझे अपना दोस्त ही समझ, मुझे कुछ अंदर की बात बताओ, अंदर की, वरना मैं तुम्हारे बाबूजी को ढूंढ नहीं पाऊंगा। मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। मेरा दिल मानता ही नहीं कि बाबूजी कहीं जा सकते हैं। पहले तो सच्ची बात यह है कि मुझे अगवा का शुबा हुआ था। मुझे तो लगा कि दो चार दिन बाद मुझे कोई कॉल आएगी और डाकू मुझसे पैसे की डिमांड करेंगे। मैं तो सोच भी बैठा था कि मुझे घर बेचना पड़ जाए, लेकिन जब कुछ दिन गुजरे तो अगवा वाली बात मेरे दिल से उतर गई। अब तो दो ही बातें रह जाती, या तो उन्हें अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ गया या वो खुद कहीं चले गए। लेकिन मैं तो हर जगह ढूंढ चुका हूँ और बाउची ज़्यादा जगहों पर आने जाने वाले आदमी ही नहीं थे। सुबह फजर की नमाज के बाद या ख़रीदारी के लिए जाते थे, या दुकान या फिर मस्जिद। चाचा फ़कीर मोहम्मद उनके इकलौते दोस्त थे। मेरे इल्म में कोई ऐसी जगह नहीं इसके अलावा जहां वो मिल सकते हैं। वो नहायत ही शरीफ आदमी थे, इस बात की गवाही आपको पूरा मोहल्ला देगा। उनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ हम थे या ये दुकान। बस सर दुआ करें और कोशिश करें कि वो जल्द अज जल्द मिल जाए। भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग कोई ख़ास काम की बात ही नहीं बताते। ऐसी कोई गैर मामूली बात जिससे बाऊ की ज़िंदगी वो भागने पे मजबूर हो जाए या फिर कोई उसे रास्ते से हटाने पे मजबूर। सर ऐसा तो कुछ भी नहीं। आपने खामोखा मेरा नाम तफ्तीश में शामिल कर लिया, मैं किसी गवाही के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। खामखा कैसे है? आप बाऊ वारिस के पड़ोसी हैं, तफ्तीश तो सबसे ही करना पड़ती है। वैसे मेरा बड़ा दामाद आईजी साहब का ड्राइवर है, खास आदमी है उनका, मैं कोई बयान देना नहीं चाहता। तबला आप तो बड़े ही ताल्लुकात रखने वाले आदमी निकले। चलें फिर ऐसा कीजिए कि आप कोई बयान ना दें, महल्लेदारी के नाते ही हमें कुछ बता दें, फिर वो आपके आईजी साहब की बात भी कर ही लेंगे। वैसे तो मैं हज़ारों आदमियों को जानता हूँ, ये बात बड़ी गलत है कि हर जानने वाले के गुम होने पर मुझे बयान रिकॉर्ड कराना पड़े। मेरा बड़ा दामाद आईजी साहब का ड्राइवर है, ख़ास आदमी है उनका, इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं ये कह सकूँ, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सलाम अलैकुम। अरे रुकिए भाई, आपने इतने काम की बातें बताई हैं तो एक काम की बात और बता दीजिए, वो आपके आईजी साहब के ड्राइवर का नाम क्या है? हो सकता है कि हमें भी कुछ काम पड़ गया। अच्छा छोड़िए ड्राइवर को, वो आईजी साहब का नाम ही बता दीजिए। उनका नाम?
उनका नाम तो आईजी साहब ही है। अच्छा, बड़े अंदर की बातें बताया आपको। अब देखिए ना, मैं इस महकमे में हूं लेकिन मुझे नहीं पता था कि आईजी साहब का नाम आईजी है। बड़े जहीन आदमी है आप। बाऊ वारिस के घर डकैती के वक्त इतला मिलते ही मैं वहां पहुंचा। हमने फौरी कार्रवाई करते हुए डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया, मगर मुझे याद पड़ता है कि बाऊ वारिस उस वक्त सख्ते किसी कैफियत में था और दीवार के सहारे खड़ा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए कहा, चाचा जी फिक्र ना कर, इन मुजरमों को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसने सर हिलाया, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। बस मैं यही ख़ास बात रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ। यह तो कोई ख़ास बात नहीं, और कोई ख़ास बात बताओ, शायद डर गया होगा उस वक्त। सर बहुत ढूंढा, कोई ख़ास तो क्या, मामूली सी ख़ास बात भी सामने नहीं आई। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर वो खुद से गायब हुआ, लेकिन क्यों? साहब साहब, मैं गरीब आदमी, साहब मुझे छुड़वाए, साहब 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 मैंने, अरे मैं क्या छुड़वाऊं तुझे, मैंने तो खुद तुझे 6-7 दफा अंदर किया। साहब मुझे छुड़वाए साहब। अच्छा चल रहा, ये तूने 16-17 साल पहले कोई वेस्पा वगैरह चोरी किया था? नहीं साहब, मैंने पहले भी कोई चोरी नहीं की, अभी भी कोई चोरी नहीं की। मैं साहब, इंस्पेक्टर नासिर खान अब ये सोचना शुरू हो गया था कि शायद उसका अपने पहले नाकाम केस से वास्ता पड़ चुका है। इतना सर तोड़ने के बाद भी बाऊ वारिस का कोई सुराग उसके हाथ नहीं लगा था। सब लोग बस वही चंद बातें दोहराते रहते, लेकिन नासिर खान की छठी हिस्स उसको ये भी कह रही थी कि इन्हीं सब बातों में कोई एक बात ऐसी है जिसमें बाऊ वारिस की गुमशुदगी का राज पोशीदा है। अगर वो बात उसकी समझ में आ जाए तो फिर यकायक एक ख्याल उसको खटकने लगा, चंद अल्फाज उसके दिमाग में गूंजने लगे। तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। नहीं, भूख नहीं है मुझे। इंस्पेक्टर नासिर खान, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? एक एक करके तकरीबन शहर के सारे मजारों पर ही हाजिरी दे रहा, इसके बाद बस सिर्फ 2-3 मजार ही बचे। बात दरअसल ये है बाऊ, के जब दिल में कोई फांस चुभी हो ना तो बहुत तकलीफ देती है, बहुत बेचैन रखती है, और मैं तो एक इंस्पेक्टर। खैर, तुम इन बातों के चक्कर में नहीं पड़ो कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूं। तुम मुझे बात बताओ।
कैसी बात? ये तफ्तीश नहीं है बाबू वारिस, मैं सवाल लेकर आया हूं। सीधा साधा सवाल के डकैती वाले दिन ऐसी क्या बात हुई जो मुसलसल एक हफ्ता सोचने के बाद तुमने अपनी जिंदगी, अपनी बीवी बच्चे सब छोड़ दिया, अपना बरसों से बसा बसाया घर एकदम छोड़ दिया? तुम नहीं ना दे। खुदगर्जी खत्म ही नहीं होती। आज जुमेरात है और देगे भी आएंगी, ये खा खा के ना इनके पेट फूल जाएंगे, लेकिन खुदगर्जी की लालच खत्म नहीं होती। मैं जवाब का मंतजर हूं। मैं जवाब ही दे रहा हूं, कोई ऐसा आला आज तक याद नहीं ना हुआ कि जो ये बता सके कि कोई शख्स अपने बीवी बच्चों से कितना प्यार करता है, नहीं ना हुआ। उस दिन डकैती वाले दिन मुझे एहसास हुआ कि अच्छा ही हुआ कि ऐसा कोई आला इजाद नहीं हुआ, वरना बंदा कहता कि कितने टन, कितने ट्रक, कितनी चीजें सब गारत हो गई। खुदगर्जी हर शय को खा गई। की भयानक नाल अपनी जाने बूटी हुई देखी तो मुझे अपनी मौत नजर आने लगी। मैं बहुत डर गया था, मेरी टांगे कांपने लगी थी, मेरी आवाज अटकने लगी थी। खबरदार जो किसी ने जरा सी भी होशियारी दिखाई। और आके नीचे कर बुड्ढे, तेरे जैसे बोट टपका है मैंने, नीचे कर। और ये बता जेवर कहाँ है? मैं छोकरों के सामने बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, मगर इस साल की खौफनाक भयानक नाल मेरे सामने खड़ी थी, और जब उन्होंने वो भयानक नाल मेरे जवान बेटे की तरफ उठाई, मेरी बेटी की तरफ, मेरी बीवी की तरफ, तो मैं जारों कतार उनके सामने रो दिया। मैं बहुत गिड़गिड़ाया और उनके सामने मैंने अल्लाह रसूल के पत्नी किस किस के वास्ते दी, मगर वो खौफनाक पिस्तौल की नाल मौत बनकर सामने खड़ी थी। मैं मरना नहीं चाहता था, मैं अपने जवान बेटे को एक कामयाब इंसान बनाने के लिए हर तरह का सहारा देने के लिए जिंदा रहना चाहता था, अपनी बेटी को 6 महीने बाद रुखसत करना चाहता था, अपनी बीवी को उसके सर के साए के बगैर जिंदा रहने के लिए तनहा नहीं छोड़ना चाहता था। यही मेरी कुल कायनात थी, ना मैं उनसे महरूम होना चाहता था, अलग होना चाहता था। बाबूजी, इंसान को इतना भी बुजदिल नहीं होना चाहिए, आप थोड़ी हिम्मत तो दिखाते, मेरा साथ तो देते।
मैं समझ गया कि अगर मैं उसका बाप ना होता तो वो ये जुमला गाली के साथ पूरा करता। और मेरी बीवी ने कहा, क्या तुम औरतों की तरह उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे? अरे मर्दों की तरह सामने आना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है बाऊ, बहुत देखे हैं ऐसे लफंगे। मेरी बेटी कुछ न बोली लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था इस बात का कि उसका बाप कितना शरीफ आदमी, कितना बुजदिल है, कितना डरपोक है, जो किसी के सामने बोल भी नहीं सकता। सब कुछ कितना बेमकसद हो जाता है, बिल्कुल नकारत, जैसे बेगर्ज मोहब्बत के पौधे में खुद गर्ज मोहब्बत के कड़वे फल निकल आए। इतने महीनों इतने बरसों की अंधी मोहब्बत के बाद उन्होंने मुझे बुजदिल नामर्द जनखा तक कह दिया मेरे मुंह पर। शरीफ आदमी को सब लोग डरपोक समझते हैं, अपने बीवी बच्चों को बचाने की खातिर, उनकी खातिर जिंदा रहने के लिए गिड़गिड़ाने वाले को सब वही गाली देते हैं जो मेरे बेटे के मुंह पर आते आते रह गई। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई ये सच है? बाबू आरिस, मैं तुम्हारे सवालात के जवाबात देने नहीं आया बल्कि तुमसे सवालात पूछने आया। वही तो दे रहा हूं, जवाब भी तो दे रहा हूं। बाबू, तुम यहीं रहना चाहते हो या अपने घर वापस लौटना चाहते हो? मैं यहां रहना नहीं चाहता लेकिन घर भी नहीं जाना चाहता। अगर तुम किसी को कुछ ना बताओ तो मुझ पर एहसान होगा। मेरे पास अब घर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी तो मेरे घर वालों ने छीन ली। वो डाकू तो बेचारे खाली हाथ पकड़े गए थे। अब मेरा यहां कोई काम नहीं, मैं चलता हूं। जी सर, कल वाले बंदों का मैंने सुराग लगा लिया सर। जी, टिप पक्की है, आज रात वो इंशाल्लाह हिरासत में हो। कौन? बावारिस सर। सर, मैं जिंदगी में पहली दफा नाकाम हूं, मैं बावारिस को नहीं ढूंढ पाया, सॉरी सर। जी सर, मैं पहुंचता हूं।